आप मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भाग गई थी जमीन आपकी पीठ पीछे। कैसे माफ कर दूं गुंजन बहू, जब मैंने इस कागज पे साफ साफ लिखा था दो साड़ियाँ, दो चांदी के सेट, दो झुमके, दो राजस्थानी जुतियाँ मंगवानी थी, तो तूने इसमें से अपने हिस्से का सामान क्यों काट दिया? मैं भी तो अपने मन से ही तेरे लिए मंगा रही थी। आज तूने मेरा मन दुखाया। अगर मेरी जगह तेरी खुद की माँ होती तो क्या तब भी तू पैसा खर्चने से कतराती? नहीं 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 बा, मैं आपको अपनी माँ का दर्जा ही देती हूँ। इसलिए जब आप तैयार होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सुंदर लग रही हूँ। ये सब तो मोह माया है बा, ना बा? हाँ बा। अरे भिवड़ी, इतना जरूरी कागज घूम गया और तुम ये मैगजीन पढ़ रही हो? हाँ, लगता है आज तो बा मोटी बहन का बैंड बजा के रहेगी। बादाम ना सुखाने की वजह से कहीं मेरा बैंड बच गया तो? नहीं 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 पिंकी, जल्दी से ये बादाम वहाँ रख के पंखा चालू कर देती हूँ। तुम ना रेसिपी ऊपर जाके ढूंढो, ऊपर के कमरे में, ठीक है? सारे कमरे ढूंढो, मैं और जमानिया हॉल में ढूंढ लेंगे, ठीक है? यह रेसिपी का पेपर तुम्हारी हाथ में कैसे आया? अरे बेबीडी, मिरेकल मिरेकल, वो क्या है ना, तो तुम्हारा ध्यान नहीं था तो ये पेपर यार जमीन पे गिरा हुआ था, तो मैंने लपक के से उठा लिया। पर आरव, यह कैसे पॉसिबल है? मैंने सब जाकर सर्च किया, मुझे तो नहीं मिला। अरे इमली बहन भाभी, अगर आपके सामने अभी तबला रखा हो तो उसकी गहराई नापने से क्या फायदा है, मस्त लेके बजा देने का दिनादिन था। सत्यानाश। महिला मुझे एक बात बता, ये जो अमेरिका देश है वो छोटा है या बड़ा? कैसी बातें कर रहा है, अमेरिका बहुत बड़ा देश है। तो बची, तुझे क्या लगता है ये छोटी छोटी चोरी करने से तुझे वो बड़े देश का वीजा मिल जाएगा है? अगली बार अगर पेपर हाथ में लगे ने, हम उसे आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। मेरा तो दिल जल रहा है, अब सारी उम्मीदें तुझसे ही है गुंजन बहू, तू ही कोई उपाय कर। हाँ बा, पर परेशानी क्या है? मैं बताती हूँ। तुझे कैसे पता कि बाकी क्या परेशानी है? मैंने कब कहा कि मुझे पता है कि बाकी क्या परेशानी है? अभी तो तूने बोला मैं बताती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैंने कहा मैं एक बात बताती हूँ जरूरी, वो भी मोटी बहन के कान में। ऐसी क्या बात बतानी है उसके कान में? ए डोबी, तुझे बोला था ना कि सबके सामने मत बोलना, फिर भी तू बोल गई। लेकिन मैंने किसी से क्या बोला? नहीं 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 बा, ये मैं आपको नहीं बोल रही, वो मोटी बहन मुझे वैसे बोलती, इसीलिए जो बात बतानी है वो आप मोटी बहन से बाद में पूछ लेना, अगर मैं बताऊंगी ना तो वो मुझे डांटेंगी। छोटी है मासूम है, मैं आऊं? अजय मोटी बहन, एमिली को रेसिपी का कागज मिल गया, बा के पास जो कागज है वो कुछ और है। मुझे पता है, तू जा यहाँ से, फुट जा। गुंजन बहू, उसे कौन सी बात तेरे कान में कहनी थी? अरे बा, वो भीगे हुए बादाम थे ना खीर के लिए, मैंने उसे कहा था कि पंखे के नीचे सुखा देना, तो उसने बोला कि वो काम हो गया। इसमें कान में बताने वाली कौन सी बात थी? अरे बा, मैंने उसे कहा था कि आके सिर्फ मेरे कान में बताना, क्योंकि अगर ये बात गुलाब फुआ ने सुन ली तो आते जाते आधे बादाम खत्म। ये सब छोड़िए ना बा, आप चिंता में क्यों थी? गुंजन बहू, चिंता ना करूं तो और क्या करूं? उस फिरंगन के हाथ मेरे हलवा बनाने की विधि लग गई है। पर बा, आपको कैसे पता कि वो सफेदी की चमकार को रेसिपी मिल गई? पक्का तो नहीं पता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास दिख रहा था जब उसने ये कहा कि वो ये हलवा प्रतियोगिता जीत जाएगी और जल्दी ही इस रसोड़े में प्रवेश करेगी।
इतना विश्वास तो उसे तभी हो सकता है ना जब मेरे हलवा बनाने की विधि उसके हाथ लग गई हो। बा, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है। अरे वो आपके जैसा हलवा थोड़ी ना बना सकती है। और अगर उसने हलवा बना भी दिया तो इतना खराब होगा बा, इतना खराब होगा कि हलवा प्रतियोगिता में जीतने का सवाल ही नहीं बनता है। भगवान करे तेरी बात बिल्कुल सच हो गुंजन बहू, कल प्रतियोगिता में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हे भगवान, उस सफेदी की चमकार को इस रसोड़े से दूर ही रखना। अब हंसती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? I'm sorry, Gunjan Papi. You know ना, मेरी रेसिपी खो गई थी। वो मुझे पता चला। और नेमिली तुझे याद है ना मैंने तुझे क्या कहा था? मेरे पास ना इस रेसिपी की दूसरी कॉपी है ही नहीं। और अगर ये कॉपी खो गई ना, तो तेरा प्रतियोगिता में जीतने का कोई चांस ही नहीं है। और अगर तू प्रतियोगिता हार गई ना, तो बा तुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जब तू बोरिया बिस्तरा लेके खड़ी होगी ना निकलने के लिए, तब मेरे दिल से खून के आंसू निकल रहे होंगे। पर फिर भी बाहर आके टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। Don't worry, Bobby. ऐसा नहीं होगा। I will be very careful. सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। तू मुझे वादा कर, ये रेसिपी तेरे हाथ में ही रहेगी, छूटेगी नहीं तेरे हाथ से। लेकिन Bobby, अगर रेसिपी मेरे हाथ रहेंगे तो स्पून कैसे चलाऊंगी? देख, लेफ्ट हैंड से तू पर्ची पकड़ना और राइट हैंड से स्पून चलाना। हाँ, डब्बा खोलना, चीनी डालना, सब राइट हैंड से। पर ये रेसिपी तू नीचे नहीं रखेगी, हाथ में ही रखेगी। ये प्रतियोगिता में तुझे जिताने की रेसिपी है। ऑलराइट बॉबी, आई प्रॉमिस, ये मेरा हाथ से नहीं छूटेगी। एमिली, मुझे माफ करना, मैंने तुझको थोड़ा डांट दिया ना। तुझे याद है ना मैंने तुझे क्या कहा था? तू जीतेगी ना तो मैं ऐसे मोर की तरह नाचूंगी। आई नो, अब पीकॉक जैसे डांस करेंगी। बराबर। चल, तू अभी ना हलवा बनाने की तैयारी कर, मैं पिंकी के साथ बाजार जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बॉबी। चला डालूंगा, पर्दे से शुरुआत करता हूँ। पर्दा जलाई ले, दिए से पिया, थप्पड़ की बड़ी आस। डिंग 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 डिंग। अरे ये क्या कर रही हो? पर्दे पर्दे जल जाएंगे सब। पर्दे नहीं जलाओ। नहीं नहीं नहीं। चादर चादर जलाई ले। अरे लेकिन चादर क्यों जलानी है? चादर नहीं जलाओ। तकिया जलाई ले, दिए से पिया। आपको परिमल बाबा की कसम है, बताइए घर में ये सब आग लगाने की क्यों सोच रहे हैं आप? परिमल बाबा, जला डालूंगा ये पूरा घर, जला डालूंगा मैं सब कुछ, जला दूंगा ये चादर, जला डालूंगा ये पर्दे, जला दूंगा तकिए, जला दूंगा। लेकिन ये सब कुछ क्यों जलाना है ये तो बताइए। याद मेरे थप्पड़ का मार्ग खोलेगी कंचन। कैसे? तुझे याद है इस सांगाणी भवन के इतिहास में पिछला थप्पड़ कब पड़ा था? कब? बहुत सालों पहले की बात है, अमावस की रात थी। अरे बाप रे। वो मेरे साथ थी। कौन? हवा, तेज हवा चल रही थी। इधर मत चला, ये बुझ जाएगा। फाल्गुनी साफ सफाई कर रही थी और वो दिया उससे नीचे गिर गया, जिससे पर्दे में आग लग गई। मतलब छोटी सी आग लगी थी, लेकिन मोटा भाभी ने उसे एक सनसनाता हुआ थप्पड़ मार दिया था। तो कंचन, मैंने जानबूझ के लगाई हुई आग के लिए मोटा भाभी मुझे कितने सारे थप्पड़ मारेंगी, और हमें वही तो चाहिए। वो मुझे थप्पड़ मारेंगी और मेरा अटका हुआ परिमल बाबा वाला आशीर्वाद मेरी ओर सरकने लगेगा। सोफा जलाई ले। अरे लेकिन नहीं। मूंगफली और इलायची। ये जमनिया, तो इसको शक तो नहीं हो गया कि हम इसकी रेसिपी का कागज जलाने वाले हैं? देख, पिछले एक घंटे से अपने हाथ से छोड़ नहीं रही रेसिपी को। वो तो मैं भी देख रहा हूँ बेला। बेला कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हट सकते। अगर पीछे हटे ना तो यहीं रह जाएगा। बेला, अगर गाना है अमेरिका का राग, तो लगानी होगी रेसिपी में आग।
सोफा जलेले दिए से पिया थप्पड़ की बढ़िया से परिमल बाबा परिमल बाबा परिमल बाबा परिमल बाबा नंदोई जी आपकी राह देख रहा था। नंदोई जी ऐसा कौन सा वरदान मिलने वाला है आपको जैसे हिल हिल के आरती उतार रहे हैं। परिमल बाबा ने मुझसे कहा है कि घर में छोटी छोटी आग जलाओगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। नंदोई जी ऐसा भयानक दृश्य देख के भगवान की आंखों में भी जलन होने लगेगी, वो प्रसन्न नहीं होंगे। बंद कीजिए ये सब। नहीं करूंगा बंद। क्या करेंगी आप, थप्पड़ मारेंगी? मारिए। नंदोई जी आप फिर से शुरू हो गए? हाँ। अरे मारिए ना। नंदोई जी नहीं मारूंगी थप्पड़। ए जमनिया इधर आ। एक मिनट वापिस से। भैया क्या सॉलिड आइडिया भैया गजब। मम्मी 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 क्या है ये सब? अरे क्या हो रहा है हमारे घर में मम्मी? अगर इसका कोई मेहमान आ गया और फुआ को इसे देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? और घर का नुकसान होगा वो अलग। नुकसान हो जाएगा कैसे? वो ऐसे मम्मी की उनके हाथ में जो आग है उसकी वजह से ये कुशन जल गया तो ये जलेले। अरे नंदोई जी बंद कीजिए ये। अरे मम्मी सोफा छोड़िए, उनके हाथ में जो आग है ना उसकी वजह से जूनागढ़ वाली मौसी ने नई घड़ी दी है, अगर वो जल गई तो। मम्मी घड़ी छोड़िए, अगर झूमर जल गया तो। लेकिन झूमर कैसे जल सकता है? जल सकता है मम्मी, उनके हाथ में आग ना, आग को फैलने में कितना वक्त लगता है। लग गई लग गई आग लग गई। मम्मी अगर आग लग भी गई तो मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगा, तो टेंशन मत ले। अरे अगर सब संभाल ही लेगा तो बार बार डरा के मेरा बीपी क्यों लो करवा रहा है? सॉरी मम्मी गलती हो गई, तो जाके आराम कर जा। ओह माय गॉड एमिली, तुम्हारे हाथ में रेसिपी कागज जल रही है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं बुझाऊंगा इस आग को। तुम फटाफट जाके पानी लेकर आओ जल्दी। जमोनिया कुछ भी डाल, इलायची डाल, हल्दी डाल, नमक डाल, किशमिश डाल, लेकिन तेरी भाभी की रेसिपी को जलने मत देना। हम इस आग को बुझा के रहेंगे जमोनिया। सॉरी बेबीडी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन शायद इस हलवे के नसीब में लिखा नहीं था कि तुम्हारे हाथ से बने। और मैं इस रेसिपी के भरोसे ही एक बहुत बड़ी रिक्शा में जा रही थी। रिक्शा? बीबीडी परीक्षा। हाँ परीक्षा, लेकिन अब सात समंदर पार अनजान देश में मैं अकेली हो गई हूँ। प्लीज तुम मेरे साथ देना आरव। हाय मिली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब साथ से भी क्या होगा, कुछ भी नहीं बचा। अब मैं बा को कैसे इंप्रेस करूंगी, कंपटीशन कैसे जीतूंगी? एमिली एमिली मेरी बात लिसन। एमिली रुक 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 रुक। यार जमुनिया कभी कभी सच में ऐसा लगता है कि सात समंदर पार से इस अनजान देश में एक अकेली लड़की सच में अकेली पड़ गई है और हम सब उसकी परीक्षा लिए जा रहे हैं बार बार। अरे पहला वो सब ठीक है पर इसका जवाब है ना तू वो पराए देश अमेरिका में जाके देना, समझा? अरे सांभर, अरे भैया सांभर दो। ये मेरे भैया का भी कोई भरोसा नहीं है, कितना इमोशनल छे। हे भगवान, ये एमिली बेन भाभी के आंसू को देखकर ये मेरा भैया फिर से पिघल ना जाए। एमिली
अरे एमिली मेरी बात तो सुनो, तुम एमिली मैं मानता हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन ऐसी हालत में तुम्हें अलमारी के अंदर जाकर अकेले बैठे नहीं दूंगा। मैं बात निकाल रही हूँ। एमिली एमिली मेरी बात तो सुनो, तुम क्या कर रही हो तुम, ऐसा मत करो एमिली। लास्ट टाइम जब मैं घर से निकल रही थी तब से बैग ओपन नहीं किया था। अच्छा हुआ क्योंकि अभी फिर से जाना पड़ेगा। I'm a loser. एमिली, एमिली ऐसा मत कहो, मैं मम्मी को समझा लूंगा ना। और फिर एमिली जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, जरूरी क्या होता है कि इंसान कोशिश करे, और एमिली हम सबने देखा है तुमने कितनी कोशिश की। मैं सू बोलेंगे। No, Arun, मैंने सबको डिसअपॉइंट किया है। गुंजन बाबी ने मुझ पे इतना चर्च किया कि उन्होंने मुझे पा की रेसिपी दी। एमिली, गुंजन बाबी ने तुम्हें मम्मी की रेसिपी दी, तो तुम उनसे वापस ले सकती हो ना? नहीं, उनके पास एक ही कॉपी थी। खास? अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया हूँ। I'm a loser. I'm a loser. नहीं 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 भैला, मुझे पता है तू पिघलने वाला है भैला, नहीं पिघल तो प्लीज भैला। I'm a loser. I'm a loser. Emily. I'm a loser. Emily please. Emily चुप हो जाओ प्लीज। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता एमिली। एक बार मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम मुझे और मेरी तीर्थ को वापस नहीं देख पाओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे मेरे होते हुए तुम्हें प्रतियोगिता हार ही नहीं सकती एमिली। तो क्या हो गया, हमारे पास मम्मी की रेसिपी नहीं है? अरे मैं अपनी मम्मी का ही बेटा हूं, मैंने बचपन से उन्हें हलवा बनाते हुए देखा है। एमिली अभी हलवा मैं तुम्हारे साथ बनाऊंगा। शादी की पहली कसम तो मैं याद है ना एमिली, कि हम दोनों एक दूसरे का साथ हर सुख दुख में देंगे, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरे दोनों मिलके जान लगा देंगे हलवा बनाने में। अरे गोंडल वालों तैयार हो जाओ, आरव और इमली साथ मिलकर मूंग दाल का हलवा बनाने जा रहे हैं। Really, आरव? अरे 101 टका रियली इमली, हम दोनों मिलकर कल कंपटीशन में ऐसा हलवा बनाएंगे, ऐसा हलवा बनाएंगे कि गोंडल की आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। कि कुछ भी बुरा काम करने की कोशिश करते तो अच्छा ही हो जाता है। ए भगवान, सबका भला करना और शुरुआत मेरे महिला से करना। महिला तो बनाने, लेकिन तुम अपने हाथ पे कागज लेके क्यों बैठी हो?
क्योंकि अगर मेरे हाथ में रेसिपी का पेपर नहीं होगा तो गुंजन बाबी को लगेगा कि मैंने वो घुमा दिया और फिर उनको बहुत बुरा लगेगा ना। जितनी तुम सुंदर हो ना उससे ज्यादा तुम समझदार हो। थैंक यू। मुम्माड़ी, ये मेरी दी हुई रेसिपी तो देख रही है पर उसके साथ साथ ये इंटरनेट पे क्या सर्च कर रही है। हे भगवान, अगर इसने आधी मेरी रेसिपी और आधी इंटरनेट से देख के सही रेसिपी बना दी तो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।